नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। राजस्थान में भयावह होते कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए सरकार ने 24 मई तक लॉकडाउन लागू किया है। बावजूद इसके अब भी कुछ लोग बेवजह घरों से बाहर निकलने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ अब पुलिस प्रशासन भी सख्त हो गया है। उदयपुर में ऐसे ही कुछ लापरवाह युवकों को पुलिस ने मुर्गा बनाकर परेड करवाई है ताकि भविष्य में इस तरह की लापरवाही की घटना को रोका जा सके। शहर के बड़ी तालाब के पाल पर सोमवार को लॉकडाउन के बावजूद 6 युवक मौज मस्ती के लिए वहां पहुंचे थे, तभी पुलिस की टीम वहां पहुंची और लापरवाह युवकों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने जब लापरवाह युवकों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि सिर्फ सैर सपाटे के लिए तालाब के पाल पर आ गए थे। इसके बाद पुलिस के जवानों ने लापरवाह युवकों को मुर्गा बनाकर तालाब की पाल पर ही परेड करवा दी। इसके बाद सोशल मीडिया पर लापरवाह युवकों की मुर्गा परेड का वीडियो तेजी से वायरल हुआ। मुर्गा परेड के बाद लापरवाह युवकों ने अपनी गलती को भी स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि घर में बैठे बोर हो रहे थे, इसी वजह से दोस्तों के साथ मिलकर बड़ी तालाब पर घूमने आ गए, लेकिन भविष्य में अब इस तरह की गलती दोबारा नहीं दोहराएंगे। उदयपुर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राजीव पचार ने कहा कि कोरोना संक्रमण विकराल रूप ले चुका है, ऐसे में संक्रमण को रोकने के लिए सख्ती बढ़ाई गई है। बावजूद इसके अब भी कुछ लोग नियमों की अवहेलना कर सैर सपाटे पर निकल रहे हैं, जो खुद संक्रमित होने के साथ ही दूसरों को भी संक्रमित कर सकते हैं। ऐसे में मजबूरन पुलिस प्रशासन को कानूनी कार्यवाही करनी पड़ रही है। उदयपुर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हर दिन अपना रिकॉर्ड तोड़ रही है। शहर में कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 45,000 को पार कर गया है। अब तक उदयपुर में 442 मरीजों की कोरोना वायरस की चपेट में आने के बाद मौत हो गई है। इसके बावजूद भी कुछ लापरवाह लोग शासन प्रशासन की अपील को ठेंगा दिखाकर नियमों की अवहेलना कर रहे हैं। राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC News का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर कोई जानकारी लेकर आएं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC News का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।